जी हर जसरे मन गाए ले, हर जसरे मन गाए ले, जो संगी है तेरो, जो संगी है तेरो, हर जसरे मन गाए, हर जसरे मन गाए ले, जो संगी है तेरो, जो संगी है तेरो, अवसर बीते हो जात है, अवसर बीते यो जात है, कहे मान ले मेरो, कहे मान ले मेरो, हर जसरे मन गाए ले, हर जसरे मन गाए ले, जो संगी है तेरो, जो संगी है तेरो, हर जसरे मन गाए ले, संपत रथ धन राज स्यों, संपत रथ धन राज स्यों, अतने को लगायो, संपत रथ धन राज स्यों, अपने हो लगायो, सत्संग जनों, एक महापुरुष बड़ी तप साधना करने वाले, क्योंकि एवज समय च बड़िया विचारधारा सुनाने और सुनने, दो मनुख कित मिल गए, जंगल बियाबान शांत वातावरण, यह महापुरख कह लगे भी तुसी तो दोनों गृहस्थी लगते हो, परिवारक लगते हो, ते तुसी किदा, ते पहला कहता है, कहता संत जी भाई मैं अपना परिवार छड़ आया, वधाईगी दे दी परिवार को, फतेह बुलाती बच्चों, घरवाले न, रिश्तेदारों, कह लगे वो क्यों परिवार छड़ दिता है, घरवाली छड़ दिती है, पुत्र छड़ दिते ने, किस लई, वो कह लगा ये सुख मिलेगा, तवज्जो बख्शिश करनी, इसलिए छड़ दिता है कि ये सुख मिलेगा, एक दूजा होर कहते तू, कह लगा मैं छड़िया कुछ नहीं,
कहने लगा मैं इस वास्ते घरों निकले हैं कि मैं बहुत सारा धन कमावांगा, बहुत सारा धन कमावांगा, बड़ी जायदाद खरीदांगा, बड़े मंडप बनावांगा। तो महापुरख कहन लगे फिर ओदे नाल की होवेगा? कहन लगे सुख मिलेगा। कहंदे तुसी दोनों ही पागल हो। कहन लगे क्यों? कहंदे जिहड़ा यह मनुख है जिहड़ा कहंदा मैं सब कुछ छड़ दिता है पर हले भी सुख की तलाश में जा छड़िया की है, कुछ भी नहीं। तो कहन लगे कि तू जिहड़ा कहंदा बहुत सारा इकट्ठा करांगा, बड़ी जायदाद बनावांगा, बड़े अनपर खड़े करांगा। तो कहन लगे फिर सिकंदर तो पूछ लै गया कोई सतनाम से कि सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सतगुरु जनों एक पाठशाला विच इस गल नूं बड़े ध्यान नाल सुनो। राजा ओ जो रज गया एक बहुत गरीब घर का बच्चा स्कूल विच विद्यालय च पढ़ते सन, उहदी विद्या खत्म होई ते नाल दा मित्र सी बहुत अमीर, बड़े अमीर बाप का पुत्र। उन्हें अध्यापक नूं बहुत सारा धन दिता, तोहफे दिते, गिफ्ट दिते। ते जिहड़ा गरीब सी उन्हें अध्यापक नूं पता की किया, कहण लगे गुरु जन मैं तुहानूं धन्नवाद दिंदा, धन्यवाद तुहाडा, शुक्र तुहाडा, धन्नवाद क्योंकि तुसी मैनूं इतनी विद्या दित्ती, इतना योग बढ़ाया कि मैं संसार विच कुछ काबिलियत, कुछ बनने वाला हाँ, पर एक मेरी विनय। अध्यापक कहण लगा बेटा तेरी विनय की है? कहण लगा जदों मैं कदे आवां, मेरे कोल कुछ पैसे होण ते मैं तुहाडे लई कुछ गिफ्ट लैके आवां ते ओ तुसी प्रवान करियो। ते टीचर कहंदा, अध्यापक कहण लगे बेटा तू मैनूं धन्नवाद दित्ता है, इस तों वधा गिफ्ट की हो सकदा? गज के आखो सतनाम। विद्यार्थी ने सोचिया, बच्चे ने बहुत वधिया गल, कहण लगा मैं कुछ राजे कोलों मंग लां ते मैं अपने टीचर नूं, अपने अध्यापक नूं कुछ अर्पण कर देवां। संगत जी तवज्जो बख्शिश करियो, ओ बच्चा, ओ स्टूडेंट द्वार ते खलोता है। राजे ने कवाड़ खोले, पहला मनुख। राजे ने कहा बताओ क्या मांगते हो? मांगो, मंगो की मंगना है? ते बच्चा सोच विच पै गया की मंगा। कहन लगे सिर्फ एक सोने की मोहर, सिर्फ एक सोने की मोहर। राजा कहन लगा बस इतना ही, कुछ होर मांग लो। बच्चे ने सोचा कि राजा दयालु है, पांच ते आ गया। राजा कहंदा बेटा सिर्फ पांच मोहर, कुछ होर मांग। हुण तकियो कि मैथेमैटिक हिसाब की गिणती वधदी जा रही है, वधदी वधदी 100, 150, 200। ते राजा कहंदा है कल के मैं एक चक्कर लगाया वहां, तू कुछ निर्णय नहीं कीता, तू कुछ सोच के नहीं आया। कहण लगे बेटा तू निर्णय कर ले, सोच ले तू की मंगना है। मैं एक बगीचे विच चक्कर होर लगाया वाह कर लिया आंदा। फिर बच्चे की गिणती बढ़ जाती है। राजा कहंदा बेटा तेरा निर्णय नहीं ठीक, एक चक्कर होर लगाया वहां ते कुछ होर सोच ले। हुण इस बच्चे ने की सोचिया? हुण राजा आया, ये अंतम पड़ाव है, अंतम पड़ाव। कहण लगे बेटा सोच लिया? कहण लगे हां राजा सोच लिता। कहण लगे की? कहण लगा जिस तरह तुसी खलोते हो, महल तो बाहर आ जाओ ते मैनू महल दे अंदर हो जाण दिओ। सत्संग जनों किसे मकान चो किराएदार नूं कढ़ना होवे ते कोर्ट तक जाना पैंदा है। कैसा राजा है? बच्चा कह रहा राजन
ਹੈ ਜਿਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੈਸਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀਂ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚੋ ਮਤ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਓ तो मुझे महल के बाहर जाने दो मुझे छोड़ो बच्चे दे ज़हन च गल बह गई कहिंदा राजन मेरी रिक्वेस्ट है एक चक्कर लगाया हो मैं कुछ होर मंगना है लेकिन राजा जो चक्कर लगा के आया वो बच्चा उत्थे नहीं सी खड़िया गज गया आखो सतनाम श्री वाहे गल समझ आ गई ज़हन विच आ गई कैसा राजा है ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਛੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਪਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਓ ਅਤ ਨਿਹੋਂ ਲਗਾਇਓ ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗੱਲ ਭਰੀ ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੰਪਤ ਰਤ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਓ ਪਾਸ ਜਬ ਗੱਲ ਪਰੀ ਸਭ ਪਿਓ ਭਰਾਇਓ ਸਭ ਪਿਓ ਭਰਾਇਓ ਹਰ ਜਸ ਨੇ ਮਨ ਗਾਏ ਲੈ ਹਰ ਜਸ ਨੇ ਮਨ ਗਾਏ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਹਰ ਜਸ ਨੇ ਮਨ ਗਾਏ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਪੜਾ ਦਿਆਂ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਿਓ ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
हर जस रे मन गाए ले जो संगी है तेरू जो संगी है तेरू हर जस रे मन गाए ये विद गुर उपदेशया सो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के गहो प्रभ शरणाई हर जस रे रे मन गाए जो संगी है तेरू जो संगी है तेरू हर जस रे मन गाए हर जस रे मन गाए प्यार सतफते बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की।